मैं कुछ चाहता हूँ कि जन्नत एंड तक रहे इंशाल्लाह, अगर वो और अच्छा करती है तो वो इंशाल्लाह जीत भी जाए, मगर जन्नत ने आके सबको शॉक कर दिए। प्रियांगी इज द बेस्ट, शी इज द स्वीटेस्ट एंड क्यूटेस्ट, सही बात है वो जो बोल के गई है वो मैं बोलता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मैंने बहुत सारे स्टंट में आप देखोगे भी आगे चल के अगर होएगा तो, मैंने 70 डेज में जो स्टंट किया हूँ उसमें मैंने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस किया हूँ कि जब सर ने मुझे कहा है कि फैजू होएगा कर ले, तो मैंने वो किया हूँ और मुझसे हुआ भी है। हेलो फैजू, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी खतरों के खिलाड़ी 12 की जर्नी? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी चल रही है जर्नी, बहुत मजा आ रहा है। मतलब लाइफ में यार थोड़ा चेंज चाहिए था और जो कि अब वो चेंज आया है और बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ये चीज का एक्सपीरियंस करने मिल रहा है मुझे और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सपीरियंस और इंशाल्लाह मैं ये एक्सपीरियंस को और लेना चाहूंगा अगर मेरी नसीब मेरे साथ रही तो। बस ऐसी करते रहो और बढ़ते रहो। तो इंसान के जिंदगी में या उसकी लाइफ में बहुत सारे उसके फोबियाज होते हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं, उनको काफी चीजों से डर लगता है। आपने अब तक अपने लिस्ट में कौन कौन से फियर्स थे जिनको चेकलिस्ट कर लिया है कि अब मैं इनको ओवरकम कर चुका? है कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने इससे पहले जब हमारा प्री इंटरव्यूज हो रहे थे और हमारे आने से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने बोला था कि मतलब मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने बोला था कि मुझे रोचेस से बहुत डर है, कॉकरोचेस से। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी मैंने ये 17 डेज में एक्सपीरियंस किया हूँ और मैंने ये अपने फियर को ओवरकम किया हूँ और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जीता भी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा इस शो में आना और ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना ये सबसे पहली चीज थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में मुझे समझ में आ रहा है कि चीजें जो टीवी में दिखती है उससे कहीं ज्यादा अलग होती है और उसका एक्सपीरियंस करना और टीवी में देखना और समझना और कहना कि मतलब ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा, ये तो कोई भी कर लेगा, तो ये इतना भी आसान नहीं है, इतना भी मतलब हो जाने जैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें थी वो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करके अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फैंस लोग भी वो सारी चीजें देखें, मैं उनसे भी शेयर करना चाहता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ ये सारी चीजों का कि कब वो ऑन एयर आए और वो लोग उसको पसंद करें। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि क्या आता है। और फियर की बात है तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंसान को उस चीज से डर नहीं लगता है, मगर एक जो मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत होती है कि मतलब मेरा स्टंट है, अरे यार इसने कट लिया, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये बचा है, वो बचा है, तो ये सारी चीजें अभी भी बची है जो कि और भी आने वाले दिनों में आने वाली है। अगर वक्त ने चाहा और अल्लाह ने मेरा नसीब अच्छा लिखा है तो इंशाल्लाह मैं वो सारी चीजें भी एक्सपीरियंस करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जिनकी इतनी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, जो मेरी मम्मी है मेरे से इतना एक्सपेक्ट कर रही है और बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो सारी चीजें मेरी नसीब में अच्छी लिखी रही तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीजों को भी ओवरकम करके आगे आऊंगा। लेकिन मुझे बताइए फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको आपने पहली बार कहा कि मुझे ये शो ऑफर हुआ है और मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत अलग शो है, नॉर्मल नहीं। मेरी बहुत अलग शो है ये सबसे बड़ा शो है और इस शो पे आ जाना और इस शो में खुद को लोगों के सामने रखना, परफॉर्म करना, कभी खुशी कभी गम होता है, ये सारी चीजें देखना, मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। मैं चाहता हूँ कि हर किसी को नसीब में आए और हर कोई इस चीज का एक्सपीरियंस ले, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी नसीब की बात है कि मैं इधर पे आने के बाद मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ, इस चीज को मैं फील कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आपके इतने बड़े मेंटोर हैं रोहित सर, अगर आपको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हर जगह आपको बता रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और फिर उसके साथ ही साथ मतलब उनके साथ में, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खुद को मैं बहुत लकी मानूंगा इस चीज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर इस मुकाम पे हूँ तो ये सारी चीजें मतलब मेरे फैन से बनी हुई है, आज अगर वो नहीं होते तो हो सकता है मुझे ये काम भी ना मिलता, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने फैंस लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा कि उनके प्यार और सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ आया और ये आने के बाद में मुझे ये मिला। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था?
मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन तो ये था कि मतलब मेरा शो में आने का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि मतलब नॉर्मली जब मेरी मम्मी सबसे बड़ी फैन है शो की और रोहित सर की, मैंने सर ये बात जब रोहित सर को भी बताया तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी मम्मी जब ये शो देखती है तो मुझे एक बार उन्होंने कहा था कि मतलब देख कभी तुझे ऐसा शो आएगा, जो कि ये चीज मैंने बहुत जगह बताया ऐसे। तो उसके बाद में मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी जब मिली तो मैंने मेरी मम्मी को सबसे पहले कॉल किया और मैंने बोला कि यार देखो मम्मी मुझे शो आया है, मुझे शो ऑफर हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मतलब ये तू सच बोल रहा है, मस्ती कर रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ और मम्मी बस आपकी दुआ चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीत जाऊंगा। तो बस जहाँ पे अगर आप लोग आपकी मतलब एक 27 मिलियन की फैन फॉलोइंग हो रही है और अगर आप लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि मतलब आप अच्छा करके आओगे जी, तो एक जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है। दूसरा आपका मॉरल सपोर्ट आपकी मम्मी है, और फिर उसके बाद में आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि बेटा तू जीत के आना, तो मतलब फिर तो चाहे कोई शेर भी आगे सामने खड़े हो जाए तो बस यही बात है। ये सारी चीजें हैं जो मतलब मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, और जब ये शो आया मेरी मम्मी का रिएक्शन हुआ, तो ये जब चीजें ये सारी जो चीजें है ना, आज अगर मैं नॉर्मल डेज में भी सोच रहा हूँ ना यहाँ पे आने के बाद में भी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। भले मेरा स्टंट अच्छा जाए या ना जाए, मैं इस शो में आ गया और ये शो में आने के बाद में मैं खुद को इस जगह पे रख रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम जितने भी प्रीवियस सीजन के भी कंटेस्टेंट से सुनते आ रहे हैं, सब बोलते हैं कि रोहित शेट्टी जब आपको स्टंट करते रहे और रोहित शेट्टी की आवाज कानों में पड़ती है कि हाँ तू कर लेगा, तू कर ले, हो जाएगा, तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है, स्टंट तो फिर कर ही लेते हैं। आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस अब तक का मतलब ये चीज में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस कर लिया, एक नहीं दो नहीं तीन चार बार सर ने बोला भेजो होएगा तू कर ले, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर उस वक्त मेरे सामने अगर खुला शेर भी रख दोगे ना मैं जाने रेडी हूँ, भले मेरे को कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनकी छाव में रहना और उनकी छाव शेयर करना और फिर उनके बाद में उनकी कही हुई बात अपने दिल दिमाग में रखना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है और वो इतने डाउन टू अर्थ है और उनकी सेफ्टी और प्रिकॉशन मुझे नहीं लगता है कि मुझे नॉर्मल शूट पे भी मिल सकती है। अगर मैं कोई शूट भी करने जाऊँ या अपने कोई सीरीज भी करने जाऊँ या कोई भी सोशल मीडिया के लिए भी कुछ करने जाऊँ, मगर उनकी सेफ्टी और उनका प्रिकॉशन अलग ही जोन और अलग ही लेवल का होता है। अगर वो कह रहे हैं तो वो होगा। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मैंने बहुत सारे स्टंट में आप देखोगे भी आगे चल के अगर होगा, तो मैंने 70 डेज में जो स्टंट किया हूँ उसमें मैंने ये चीज भी एक्सपीरियंस किया हूँ कि जब सर ने मुझे कहा है कि फैजू होएगा कर ले, तो मैंने वो किया हूँ और मुझसे हुआ भी है। मतलब एक रहता है ना कि आप एक वक्त आने पे मतलब आपको लगता है नहीं यार कोई बात नहीं, अभी तो फियर फंदा मिल जाएगा ना, फिर फियर फंदे के बाद भी कोई बात नहीं, अपने पास एलिमिनेशन तक का टाइम है, आप उन कर सकते हैं। मगर जब एक सर की बात आ जाती है कि फैजू होगा कर लेगा, तो मतलब आगे तक जाना ही नहीं है यार, सर ने बोल दिया तो अब हो जाएगा तो हो जाएगा, तो कर ही लेते हैं। और जैसे आपने बोला कि ये शो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके का फैजू, जहां तक हमें पता आपने बहुत छोटी जगह से शुरुआत की और इस तरीके की कामयाबी आपने हासिल की है, एक कहीं ना कहीं मिसाल है, आप एक एग्जांपल है कि अगर इंसान चाहे तो वो चीजें हासिल कर सकता अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क के जरिए। क्या ये सपने से कम लगता है आपको? इसको कैसे बयान करेंगे आपकी? मुझे याद है कि आपने जो अपनी शायद पहली गाड़ी खरीदी थी BMW, उसके बाद मैंने पढ़ा था कि कैसी आपकी जर्नी रही है, कैसी स्टोरी रही है, और आज इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, टीवी के कलाकार हैं, जिनके साथ आप एक मुकाम पर खड़े रहकर उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं और उसी तरीके से खड़े हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी भी कीमत पे कम है, ऑब्वियसली बात है आपकी इतनी फॉलोइंग है, इतने लोग आपको चाहते हैं, बट एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कैसे अपनी स्टोरी को बयान करेंगे आप? स्टोरी को मैं इस तरीके से बयान करूंगा कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े टीवी के फेस हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं यहाँ, तो मतलब इन लोगों के साथ में अपनी इस जर्नी को शेयर करना, उनके साथ में उठना बैठना, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ। क्योंकि जहाँ से मैंने शुरुआत किया था और जहाँ तक मैं आया हूँ, वो मेरे फैंस, उनका सपोर्ट, मेरी कुछ मेहनत और ये सारी चीज़ों से बन के आया ये।
मगर फिर उसके बाद में बाकी इन सारे लोगों से मिलना और इनके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ये भी एक ड्रीम से कम नहीं है। आज भी अगर मैं कोई चीज नहीं बड़ी करता हूँ या कोई बड़ी चीज जिसमें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मैं कर लिया अपने लिए, तो मतलब ये लगता है मुझे कि यार आज भी मैं सपना देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को आज यहाँ तक लेके आ गई है और इस मुकाम पे आने के बाद में ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैंस लोग को थैंक यू कहूंगा इस चीज के लिए, और हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ कि चाहे कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, उन लोगों ने अपना दिन रात मुझे एक करके दिया है। आज मैं कभी भी ऑनलाइन जाता हूँ मुझे उनके डीएम्स मिलते हैं, जिस वक्त जाता हूँ चाहे 2:30 बजे जाओ, चाहे 3 बजे जाओ, चाहे रात के 5 बजे, सुबह के 5 बजे जाओ या रात के 3 बजे जाओ, वो मुझे वहां पे मिलते हैं, उनसे बात करता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो अपना इतना टाइम देते हैं, वो अपना इतना इनपुट देते हैं, तो जब उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन है मेरे से, तो यार मैं उनके लिए क्या ना कर दूं, मैं सब कर लूं उनके लिए। राइट। और काफी सारे दोस्त भी बना लिए, काफी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रेजेस अब तक मैं इंटरव्यू में सुनती आ रही हूँ। कितने लाइफ टाइम के लिए दोस्त बना लिए हैं जो जिनके साथ आप खतरों के बाद भी टच में रहेंगे? मैं सबके साथ टच में रहूंगा, मेरी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और जहां तक का मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को भी मैं पसंद आया हूँ, और मेरा काम ही यही है यार कि रिश्ते बनाना, दोस्ती करना, खुश रहना, और हमेशा से मैं वही करते आ रहा हूँ। किसी किसी की वाइब होती है, कोई कोई होता है ऐसा कि मतलब ठीक है यार अपनी जगह पे, मगर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला यहाँ पे, और सभी बहुत अच्छे हैं, सारे लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सभी। क्या तुमने कहा शिवांगी इज द बेस्ट, स्वीटेस्ट और क्यूट? शिवांगी इज द बेस्ट, शी इज द स्वीटेस्ट एंड क्यूटेस्ट, सही बात है, वो जो बोल के गई है वो मैं बोलता हूँ। और शिवांगी से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हुई है, ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट है, उन सभी लोगों के साथ में मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करने मिल रहा है, तो होप फॉर द बेस्ट आगे क्या होता है। एक कहीं ना कहीं एक कंटेस्टेंट ऐसी हैं इस शो में जिनको आप पहले से जानते हैं, और ऐसे टफ कंडीशंस में जहाँ पे आप इतने सारे स्टंट्स कर रहे हैं, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा को स्टार जो आपको पहले से जानता हो, अगर वो भी शो में रहे तो कहीं ना कहीं साथ मिल जाता है, मैं जन्नत की बात कह रही हूँ, तो कितना सपोर्ट सिस्टम आप एक दूसरे का रहे हैं? हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव है, और कभी वो परफॉर्म करने जाती है तो मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, कभी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आज हम लोग करीबन नहीं भी बोल के 7-8 साल से 6-7 साल पुराने दोस्त हैं, हम लोग बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग ने इतने सारे प्रोजेक्ट किए और आज हम लोगों को जाके ये प्रोजेक्ट भी मिला है, तो मतलब बहुत लक्की है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी दूर आके सारी चीजें छोड़ के इतना टाइम देना, इस चीज को इतना समझना और इतनी मेहनत से इस चीज को आगे बढ़ाना, मैं स्टंट की बात कर रहा हूँ, वो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। आप क्योंकि इधर पे किसी के फैमिली मेंबर्स नहीं है और जन्नत के डैडी है मगर वो स्टंट पे नहीं आ सकते हैं, तो एक रहता है ना कि एक कोई खास दोस्त या कोई एक ऐसा पुराना दोस्त जिसके हमेशा से एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, भले वो उनके तरफ से हो भले वो उनके तरफ से हो, मगर वो एक रहता है कि एक अच्छा बॉन्ड है, और आप कहीं कुछ करने जा रहे हो और उस बॉन्ड में अगर आपको कोई सपोर्टिव बंदा जो आपका बहुत पुराना दोस्त हो और वो आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो उसमें 4 चांद लग जाता है, तो वो बात है उसके अंदर, और वो बात अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देखती है मुझ में है, तो हम लोग बहुत अच्छा एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव है, और मैं खुद चाहता हूँ कि जन्नत एंड तक रहे इंशाल्लाह, अगर वो और अच्छा करती है तो वो इंशाल्लाह जीत भी जाए, मगर जन्नत ने आके सबको शॉक कर दिए। सुन रही हूँ मैं हर इंटरव्यू में, मैं भी बहुत जगह सुन रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं यार जन्नत ने तो छोटा पैकेज बड़ा धमाका करती है, सरप्राइज एलिमेंट, सही बात है सर, जन्नत ने इधर पे सबको एक सरप्राइज एलिमेंट दे दी है, क्योंकि मैं जन्नत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम लोग बहुत सारी जगह पे मतलब बहुत अलग अलग कंट्रीज में शूट किया, आर्मेनिया हो चाहे मॉरिशियस हो चाहे दुबई हो, हम लोग ने हर जगह शूट किया, तो हर जगह पे एक अट्रैक्शन होता है, एक आप देखोगे तो हर जगह पे एक एडवेंचर स्पॉट होता है, हर जगह स्टंट अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, तो बहुत सारी जगह है जो जहाँ पे मैंने उसको देखा ये सारी चीजें करते हुए, मगर वो एक प्रेशर नहीं होता है स्टंट का, आपको ये करना है आपको नहीं करना है, यहाँ आने के बाद में मैं देख रहा हूँ वो बहुत कामली कर रही है और बहुत अच्छा, मतलब लोगों को शॉक कर दिया उसने कि मतलब हाँ वो दिखती छोटी मोटी है मगर वो है बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक
इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए, जो लोग नहीं कर सकते या जो लोग डरते हैं वो लोग देख रहे हैं उसको, तो वो लोग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है उसमें मैंने देखा हूँ, और बहुत अच्छा भी कर रही है, तो बस इंशाल्लाह। लेकिन ये बॉन्ड के काफी बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि जब आप स्पेशली अगर आप एक लड़का लड़की हैं तो आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी वो ऐसे लिंकअप बहुत करती है, और को-स्टार हो आपका अच्छा दोस्त हो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप दोनों इतने खूबसूरत लगते हो ऑन स्क्रीन एक साथ, तो वो क्या दोस्ती पे कभी हावी पड़ती है कि यार इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं, इतने रिपोर्ट्स आ रहे हैं लिंकअप के, तो कभी वो दोस्ती पे इफेक्ट होता है उस चीज का? नहीं, मगर अभी इतने नहीं आ रहे, क्योंकि हमको ये सारी चीजें मतलब बहुत पहले कभी आती थी वो टाइम पे थोड़ा फर्क पड़ता था, फिर हमको भी ऐसा लगता था कि मतलब लोग थोड़ा अलग ही जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा क्लियर कर दे, तो बहुत बार हमने कोशिश भी कर क्लियर करने की, हमने बहुत सारे मीडिया इंटरव्यूज में भी बोला कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं, जो भी लोग बहुत वो करते थे, तो हमने भी मतलब हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो हमने रोके खुद से, और लोगों को भी थोड़ा नॉर्मल किए, तो आज करीबन तकरीबन 1.5 साल हो गए हम लोगों को, हम लोग 1.5-2 सालों में आया कि मतलब हम लोग ने इतना खास कुछ ज्यादा किए नहीं, तो थोड़ा लोगों को लोग अभी समझ में हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी है। और जो दोस्ती है वो दोस्ती मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि ऐसी बरकरार रहे हम लोगों की, क्योंकि दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अगर एक सच्चे दोस्त है और एक अच्छा दोस्त है तो मतलब आपको अगर एक ऐसे टाइम पे सपोर्ट कर रहा है जो आप जिस चीज में नए हो तो वो जन्नत है, मेरा हमेशा से मतलब वो तो बचपन से करते आ रही है सारी चीजें, 12 साल हो गया उसको, 6 साल हो गया करते हुए, तो मैं अभी का आया हुआ हूँ, मतलब मुझे भी तकरीबन 6 साल हो गया है करते करते, तो ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई है, मगर एक बोलते हैं कि मॉरल सपोर्ट मिलता है आपको, और वो बहुत सपोर्टिव भी है, मुझे बहुत चीज में हेल्प भी करती है, समझाती भी है कैसे होता है क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, और ये बहुत सही चीज है मेरे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब वो इतना करती है, तो लोगों को भी मेरे को यही कहना है कि गाइस आप लोग ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों का, और बस आप लोग हमको ऑन स्क्रीन इतना प्यार करते हो तो बस ऐसे आप लोग ऑन स्क्रीन प्यार करते रहो, हम लोग इंशाल्लाह और भी प्रोजेक्ट करेंगे आगे। थैंक यू सो मच फैज़ू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, दुआ करना इंशाल्लाह टूटी लाऊं। या पक्का। हाय, दिस इज फैज़ू, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ई टाइम्स टीवी।